करते हैं ना आप ही बताओ ये कितना पसंद करते हैं। हाँ माशाल्लाह आप सब बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम दोबारा प्रैंक लेके आ गए। इसलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो यार आज हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग प्रैंक लेके हैं जिसका नाम है फाइटिंग प्रैंक ऑन माय मॉम। तो यार मॉम के साथ ना बहुत ही अमेजिंग और हंसने वाले प्रैंक होते हैं, तुम लोगों को क्या बताऊं यार। पिटला इलेक्ट्रिक पिछला इलेक्ट्रिक प्रैंक हुआ है यार, आपने उसके ऊपर इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, दिल से आपको लव यू हो गया, दिल से लव यू, आपको दिल से बिग लव बिग रिस्पेक्ट हो गया यार। आज ना हमारा बिल्ला भी हमारे साथ ही रहेगा, आइए अंदर चलता फिरता नजर आएगा ठीक है। अगर ये ज्यादा आज ना मैंने इन दोनों से बदला पूरा कर लेना अपना, इन दोनों को मैंने इतना कुट रहा ना सबसे ज्यादा इसको। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आप यार तुम इधर आओ इधर आओ, तुमने भला क्या करना है यार, हमने किस चीज से स्टार्ट करना है, ये है रियल चीज भाई साहब, रियल चीज यार। असल मकसद ये है, ये हमारे ना जहन में फाइटिंग प्रैंक भला किस तरह आया था, ये ना हमारे पास टैब है क्यू टैब ठीक है, तो इसके अंदर ना गेम वगैरह चल जाते हैं, तो आप ही ना उस दिन गेम खेल ली, आप इसे ना फ्रेश पे गिर गया, तो ना मेरे जेन में उसी टाइम दिमाग आया आई हाय फाइटिंग प्रैंक हो गया यार ये देखो। हाँ, दिमाग बहुत काम करना शुरू, ये देखो अब मैं बटन दबाऊंगा ना तो कैसे चलेगा, पूरी स्क्रीन टूट गया मामा को अभी, ये देखो अभी चला, ये देखो टूट गया सारा सारा टूटा हुआ है, इसकी स्क्रीन सारी टूट गया, पता नहीं 12,000 का मैंने इसको अपनी कमाई से ला के दिया था। तो यार इसमें क्या होगा कि ना ये मेरा टैब है ना तो आपने तोड़ दिया है, तो मैं ना अंदर आऊंगा, मैं ना अंदर आऊंगा दरवाजा खोल के, तो ना मैं कहूंगा ये टैब किसने तोड़ा है, मैं 100 साल लड़ाइयां शुरू कर दूंगा, तो ना फिर ज्यादा जब रोला हो जाएगा ना देखते हैं तब मामा आती भी है कि नहीं, चाहे हम अकेले 10 घंटे का मैं हमारा और हमारा ब्लॉग का ये प्रैंक का टाइटल बन जाए प्रैंक गोज रॉन्ग। मामा आई ना हम फुल मैं ऊंची शॉट डालूंगा, मामा आए क्या मैं बचाएगी, देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है, स्टार्ट करते हैं कैमरा सेट करता हूं। तो यार पहले हमारा कैमरा सेट हो गया, तो आज उस्मान कैमरे से लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं, चलाओ अब मैं ना बाहर जाता हूँ ठीक है, मामा ना बाहर बैठी हैं, मैं मामा को पूछूंगा आप ही किधर है, मामा कहेंगे अंदर, तो मैं अंदर आऊंगा, फिर मैं कहूंगा ये टैब किसने तोड़ा है, ऐसे लड़ाई स्टार्ट होगी, मैं बाहर जा रहा हूँ, चलो टैब लेट्स गो, आप लोग यहाँ मंजी पे लेके बैठो टैब को, गाइस आपको हमारा बिल्ला भी नजर आ रहा है, छोटा सा बिल्ला, अली हम छोटा सा बिल्ला, हम टैब रख के अपना टैब यूज करेंगे, नहीं आप ही टैब यूज कर रही होगी, और आप ही कह रहा हूँ मैं कहूंगा आप इधर ना क्यों उतरे हैं। अच्छा उस्मान जो फाइन निकल जाए माशाल्लाह, सभी भाई भी आ चुके हैं, सभी भाई हाय कर दो यार, अब तो फुल रोना डाल देना सभी भाई, मुझे कुटेगा फुल जोर जोर से, और मामा का रिएक्शन देखेंगे, चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, आप ही तो मेरा टैब लेके बैठ, बैठते ना आंखें आ चुकी हूँ ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आप ही तो मैं बैठा था।
टापू है। ना नहीं है, जो टूटने वाली चीज है ना वो टूट गई है। ठीक है, पापा ने मुझे बोलना नहीं बोलते और एक्टिंग कर रहे पापा। टूटने वाली चीज है, आपस में स्लूक में रहो। तो घर में चीजें होती है सबके लिए होती है ना। क्या करो, हम मेहनत करते हैं तो इनको क्या करो, ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब किया करो। ये इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको चाहिए कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ना काकू भी एक नुक्कड़ में आकर छुप गया यार, उसको भी बड़ा डर लग रहा था। वो देखो बदतमीज। तो यार फाइनली हम ये वाला प्रैंक यहां पर एंड करते हैं। अपने बड़ी मार पड़ी तो कैमरा 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 कैमरा। तो यार बड़ा सांस चढ़ गया था, मामा को बताना पड़ गया था। मामा ने टूंगो पे ऐसे ऐसी मारी, एंटी का डर दौड़ी थी यार। अली भाई अपना मजा लेके मेरे ऊपर और मुझे भी करवा रहा है। प्रैंक तो अच्छा बनाना होता है। तो यार आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके हाँ, और अगर हम कहीं थोड़ा सा हंस गए ना तो एडजस्ट कर लेना। हाँ, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग में या एक मिनट यार, हमारी इतनी मेहनत होती है, लोग नीचे कमेंट कर देते हैं ये सारा स्क्रिप्टेड है, सारा स्क्रिप्टेड है। हालांकि सारा ना स्क्रिप्टेड नहीं होता। अच्छा मम्मा जी, आपको पता चलता है जब आप इन्हें मास्क लगाया होता है, आपको नहीं ना पता चलता आप हमारे बीच लगी होती हो ना। नहीं मामा, गौर ही नहीं करती कि मैंने मास्क लगाया या नहीं। हाँ मामा, अगर गौर करें कोई हमारा प्रैंक लॉस भी हो सकता है, पर हम उसके नीचे जरूर लिखेंगे कि प्रैंक गोज रॉन्ग, क्योंकि भी हमने नया नया प्रैंक करना शुरू किया है ना, तो इसलिए मामा को नहीं पता चलता। जब ज्यादा थोड़े हम 100 प्रैंक डाल जाएंगे ना, मामा कहेगी अब तो इसने डाला हुआ है। तो ये जब भी घर में मास्क पहना करेगी, कहीं जाने लगेगी, मामा कहेगी प्रैंक कर। आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गुड बाय।